अब मैं आपको बताऊंगा इंडिया में मई के महीने में लग्जरी सेडान गाड़ियों की कितनी कितनी सेल्स हुई है और सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार कौन सी है। इस वीडियो में आप यही जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। होंडा सिविक, जो कि 5-सीटर सेडान कार है और महंगी कार है। इस गाड़ी की इंडिया में मई के महीने में सिर्फ एक यूनिट बिकी है, जो कि इसे 5वें नंबर पर लाई है एक यूनिट बिकी है तो। ये कार अब सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, जिसमें 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर 140 bhp की और टॉर्क 174 nm का। इसका माइलेज है 16.5 kmpl का। होंडा सिविक काफ़ी पावरफुल कार मानी जाती है, और है ही, क्योंकि इसका इंजन काफ़ी पावरफुल है और गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल का। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 17,93,000 रुपये से लेकर 21,24,000 रुपये तक की। फिर आइए हुंडई इलांट्रा। हुंडई इलांट्रा एक 5-सीटर सेडान कार है और गाड़ी की मई के महीने में सिर्फ 6 यूनिट बिकी है। ये कार भी सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, लेकिन ये कार पहले से ही पेट्रोल में मिलती है। इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर 150 bhp की और टॉर्क 192 nm का। इसका माइलेज 14.5 kmpl का। ये कार जो है होंडा सिविक की टक्कर की कार है, लेकिन उससे सस्ती कार है थोड़ी। गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑटोमेटिक और मैनुअल का। कार की एक शोरूम कीमत है 15,89,000 रुपये से लेकर 20,39,000 रुपये तक की। फिर आई टोयोटा कैमरी। कैमरी एक 5-सीटर कार है और इस कार की मई के महीने में 13 यूनिट बिकी है। ये कार भी सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, जिसमें 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर 214 bhp की और टॉर्क 221 nm का। इसका माइलेज है 19.16 kmpl का। यानी इतना बड़ा इंजन और माइलेज ज़्यादा, क्योंकि ये हाइब्रिड कार है। गाड़ी में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है। कार की कीमत है 37,88,000 रुपये की, जो कि महंगी कार है और लग्जरी सेडान कार है। फिर आइए एस्कोडा कंपनी की ऑक्टेविया। ऑक्टेविया एक 5-सीटर कार है और इंडिया में मई के महीने में 32 यूनिट बिकी है। और कार ये भी सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में ही मिलती है, जिसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर 241 bhp की और टॉर्क 370 nm का। इसका माइलेज है 15 kmpl का। इसमें भी आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है, लेकिन ये कार काफ़ी पावरफुल कार है। और गाड़ी की कीमत 35,99,000 रुपये की। नंबर वन पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है, जिसका नाम है एस्कोडा सुपर्ब। इस गाड़ी की इंडिया में मई के महीने में 73 यूनिट बिकी है, जो कि इतनी महंगी कार के लिए बड़ी बात है, एक महीने में, वो भी लॉकडाउन में। इस कार में भी सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलता है, जिसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर 188 bhp की और टॉर्क 320 nm का। इसका माइलेज 15 kmpl का। और गाड़ी में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। कार की कीमत है 29,99,000 रुपये से लेकर 32,99,000 रुपये तक की। तो ये 5 वो लग्जरी सेडान कार हैं जो मई के महीने में इतनी इतनी बिकी है, जिसमें होंडा सिविक सिर्फ एक यूनिट बिकी है, इलांट्रा 6 यूनिट, कैमरी 13 यूनिट, एस्कोडा कंपनी की ऑक्टेविया 32 और सुपर्ब की 73। तो आपके हिसाब से कौन सी कार होनी चाहिए थी लग्जरी सेडान सेगमेंट में, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।